ये जीवन तीन अक्षरों का महाकाव्य है, जोड़ियां तीन अक्षरों का मधुर संगीत है और बच्चे तीन अक्षरों के भाव संगीत। ध्यान से बेटी, पुल पुराना है, संभल कर। अरे क्या कर रही हो, आराम से। मेरा कॉलेज जाने का टाइम हो गया। पर तुम्हारी मम्मी का जाने का टाइम नहीं हुआ। पापा, मम्मी भगवान जी से क्या मांग रही हैं? मुझे तो नहीं पता, शादी हुई तब से ना मैंने उससे कभी पूछा और ना ही उसने बताया। आहा, अच्छा आने दीजिए, मैं पूछती हूँ उनसे। उसकी जरूरत नहीं, चलो आओ। नहीं, मैं पूछ के ही रहूंगी। ओ ठीक है, जाओ जाओ पूछ लो। हाँ दीपू, अब जल्दी चलो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। मम्मी, इतनी देर से आप भगवान जी से क्या मांग रही थी? कुछ नहीं बेटा, चलो। आपको मुझे बताना ही होगा। हम मन से जो मांगते हैं वो किसी को बताना नहीं चाहिए, अब चलो। मम्मी मम्मी प्लीज, भगवान जी से क्या मांगा बताओ ना। जब मैंने तुम्हारे पापा का हाथ थामा था तब से ही मैं भगवान पर भरोसा करने लगी। ऐसा क्यों? शादी होने से पहले भगवान पे भरोसा नहीं करती थी? भगवान से मन्नतें मांगने के बाद शादी करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो सम्मान देता है और जिंदगी का मतलब समझाता है ऐसे लोग काफी कम होते हैं। तुम्हारे पापा भी उन्ही लोगों में से एक है। हमारी शादी होने के बाद पहली बार मैंने इसी मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़ा था। मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए, यहाँ आकर मैंने भगवान से प्रार्थना की थी। मम्मी, आप पापा से इतना प्यार करती हैं? बहुत, वो तो मेरी जान है। और मुझे? तुम मेरे घर का उजाला हो। ए मास्टर, कब तक इंतजार करेंगे? तुम हमें पहुंचाओगे कि नहीं? ए, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो रास्ता छोड़े तब ना। अरे कहाँ है तेरी दीदी? ए, वो मेरी दीदी विदी नहीं है। तो फिर? वो तो मेरी डार्लिंग है। हाँ? क्या हुआ डार्लिंग, आज इतना लेट क्यों? तुम्हारे लिए मुझे रोज नया नया नाटक करना पड़ता है। ड्राइवर चलो, गाड़ी बढ़ाओ। Thank you.
शराज, मैं चिल्लाए जा रही हूँ और तुम मुंह बंद करके यहाँ चुपचाप खड़े हो। बताओ मुझे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मैं तुम्हें मारूंगी। क्या है ये? मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखती हूँ और तुम ऐसे करते हो, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? तुम्हारी तो मैं तुम्हें सीधा करके ही रहूंगी आज। तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ। मेरे मम्मी पापा इस दुकान से उस दुकान से तुम्हें पसंद करके यहाँ अपने घर लेकर आए और तुम मेरे पापा के पैर को काटोगे? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। दोबारा मेरे घर में तुम आए ना तो छोड़ूंगी नहीं। बेचारे, दर्द हो रहा है। पापा के पैर को काटा इसलिए मैंने मारा। सॉरी, तुम कितने प्यारे हो। पापा के पैर को मत काटना। हाँ हाँ, तुम्हारे पास काटने के लिए तो मुंह भी नहीं है। छी, अगर पहले बताते मुझे तो पिटाई नहीं होती। हमारे पूरे घर की देखभाल पापा करते हैं और पापा के पैरों की देखभाल तुम दोनों करते हो। सॉरी यार, सॉरी। यही है क्या जी? यही है वो 5 लाख रुपए। ये उसके एजुकेशन के लिए। इस बॉन्ड के मैच्योर होने पर 15 लाख मिलेंगे। ये उसके शादी के लिए। क्या है ये? शनिवार आते ही आपका हिसाब किताब शुरू हो जाता है। हाँ तो, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। देखो, बच्चों के भविष्य के बारे में अगर पहले से नहीं सोचेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? पीएफ तो हमारे लिए काफी है ना, फिर जिंदगी आराम से चलेगी। भविष्य के बारे में सोचकर ही पीएफ की सेविंग की जाती है। हाँ? सुनो, उस पीएफ में से कुछ पोते के लिए रखें क्या? पोते के लिए? हाँ, दरअसल वो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। मैंने क्या सोचा है, मेरी इस छोटी सी बेटी की बेटी के कानों में गोल गोल कुंडल पहनाकर ठीक किसी गुड़िया की तरह अपने कंधे पर बैठा कर पूरे शहर में घुमाता फिरूं। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? वो तुम क्या सोच रही हो मैंने नहीं पूछा इसलिए। अरे छोड़ो ना, हमारी शादी हुई तब से लेकर आज तक मैंने तुमसे पूछे बिना कुछ किया है क्या? मुझे और क्या चाहिए जी, आप है ना। शांति, हम अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं वो उससे भी ज्यादा हमें प्यार करें, बस हम यही तो चाहते हैं। ये बिस्किट, चॉकलेट, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें उनके मन की इच्छा को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें अगर हमसे छोटी सी भी तकलीफ होती है तो फिर हमें तकलीफ है। मैं सोचता हूँ कि माँ बाप का फर्ज यही है। आप यहाँ बैठकर बच्चे, उनकी आशाएं और उसके बारे में सोच रहे हैं और वो है कि छोटे बच्चों के साथ खेलने में मगन है। खेलने दो ना, वो नहीं खेलेंगी तो क्या हम खेलेंगे? और सुनो, खेलने वाले को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उसे रोकने वाला आएगा ना। अरे भाई, गेम खेलने वाले से ज्यादा टेंशन तो देखने वालों की होती है, लेकिन तुम तो इतने कॉन्फिडेंट में लग रहे थे। रिकी। यस डैड। मिस्टर मोहनदास पाल से मिलो, मेरे नए प्रतियोगी एंड आल्सो माय वेल विशर। हाय, हाउ आर यू? इट्स माय प्लेजर। प्लेजर इज माइन। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारे बेटे को अच्छा खेलते हुए देखकर इसके ऊपर दाव लगाना चाहिए।
कोई घोड़ा दौड़ता है इसलिए दाव नहीं लगाया जाता है सर। दाव तो उस पर लगाया जाता है जो घोड़ा जीतने वाला होता है। दौड़ने वाले घोड़े का एकमात्र लक्ष्य जीतना होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें हराना बहुत मुश्किल है। हाँ, मेरा बेटा पावरफुल खिलाड़ी है, उसे कभी हारना नहीं चाहिए, हमेशा उसकी जीत होनी चाहिए, यही तो मेरा सपना है। Don't worry, Dad. Your son is more ambitious than you. Hey. Okay, I'll make a move. मिलते हैं। Anyways, thanks for your compliment. Welcome. Bye. Any regards? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। Love you. Thank you. But I'm sorry. पर क्यों? तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए thanks. लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो इसलिए sorry. Hey, मजाक उड़ा रहे हो मेरा? ऐसी बात नहीं है जानू। इसे शामिल करके कैंपस की सभी लड़कियों ने इसे प्रपोज कर दिया, लेकिन इसने एक को भी हाँ नहीं कहा। सही कहा ना रिकी भाई? भाई, चाहे कोई भी बात हो और कुछ भी करना हो तो पहले हमें उस तरह का कुछ लगना चाहिए ना। आज मुझे लगा कि तुम सबको दोस्त बना लेना चाहिए तो मैंने बना लिया। वैसे ही प्यार भी ऐसा ही होता है, उसे भी महसूस करना चाहिए। नजरें मिलती हैं और दिल ही दिल में बात होती है, तभी पता चलता है कि दिल में प्यार उतर चुका है। तो ऐसा कब होगा? जो प्यार अपने दिल को भा जाए उसे ही तो प्यार कहा जाता है। रमेश सर, सब चेक कर लिया है ना? ओके सर, ओके ओके। ओ डैड, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। ओ सॉरी रिकी, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। डैड गोइंग अब्रॉड? हाँ रिकी, वहाँ हमने जो नई कंपनी शुरू की है उसकी बोर्ड मीटिंग है, इसीलिए जा रहा हूँ। डैड आप भूल गए ना, आज मेरी माँ की बरसी है, आपको शामिल होना होगा। ये याद दिलाने के लिए ही मैनेजर अंकल ने मुझे खुद से फोन किया था। डैड ओ सॉरी सॉरी रिकी, तुम्हारी माँ को ये सब पता है, वो मुझ पर नाराज नहीं होगी। तुम ही ये सब अटेंड कर लो, तुम ही तो उसकी जान हो। ओके, डोंट मिस। यस डैड, शी वाज द बेस्ट मॉम। जो भी हो, सॉरी बेटा, आई टू मिस यू सन। ओके डैड, मैं खुद जाके आता हूँ। जल्दी मिलते हैं, बाय। मैनेजर साहब, प्रोग्राम कल ही है, आपने बता दिया था ना? ओ, मैंने सब बता दिया है। पता नहीं किसे बताया, मेरा दिमाग तो गर्म होता जा रहा है। इतना अच्छा खाना बनाया, घर का खाना खराब हो गया। बड़े अजीब लोग हैं इस घर के। जिधर देखो मालिक की फोटो ही है। बट्टा, बड़े आश्चर्य की बात है, फोटो बात कर रही है। नहीं, वो मारता भी है। रिक्की भाई, बट्टा, रिक्की भाई, रिक्की भाई, भाई जरा रुको, कुछ अच्छे कपड़े पहन लो, इसने तो मेरे पूरे कपड़े गंदे कर दिए। अरे तेरे कपड़े गंदे हुए तो क्या हुआ, चलना चल के साफ करते। बट्टा कैसा फील हो रहा है? रिक्की अंकल। रिकी, क्या बेटा, छोटे बच्चों की तरह पानी में खेल रहे हो तुम। ऐसे करने में कितना मजा आता है अंकल। क्या बट्टा क्या बोलता है? अरे तुझे क्या हुआ? रिकी, इतना लेट क्यों हो गए तुम? अरे अंकल, ये एक लंबी कहानी है, यहाँ आइए सुनाता हूँ। मुझे भी आइए ना अंकल। अरे बैठ जाइए, आ जाइए। ठीक है, आता हूँ आता हूँ। आइए 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 आइए, बैठ जाइए बैठ जाइए, आराम से, धीरे से बैठ जाइए। मजा आ रहा है कि नहीं? वो क्या हुआ आपको बताता हूँ। मैं अपनी कार लेकर आ रहा था,
मारो। अरे छोड़। ए ए क्यों बच्चों टाइगर, मुझसे शर्त लगाया था ना कि मैं घर से यहाँ 5 मिनट में नहीं पहुँच सकती, कैसा लगा? चलो चलो सबको आइसक्रीम खिलाओ। चलो ठीक है, दिला देता हूँ। मुझे वनीला फ्लेवर, मुझे कॉर्न, मुझे चॉकलेट, मुझे पिस्ता, ऑरेंज स्टिक। और तुम्हें? मुझे फैमिली पैक चाहिए। चलो चलो जल्दी चलो, 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 चलो आइसक्रीम खाएंगे। एक लड़की को पानी में 2 मिनट रोक कर नहीं रख सकते थे? अपनी शक्ल तो देखो, तुझे तो मैं निकल यहाँ से। तुम जैसे लड़के लोग सिर्फ बातें ही बना सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। पानी में डूब जा। मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। सवाल ये है, मैंने लड़कियों को उसके बालों में चमेली या मोगरा का फूल लगाते देखा है, लेकिन लड़कों को मैंने कमल का फूल लगाते कभी नहीं देखा है। वैसे भी तुम्हें ऑर्किड का फूल पसंद है। हाँ बिल्कुल यार, लड़कियां लड़कों को एक कांधे की तरह इस्तेमाल करती हैं, और लड़के लड़कियों के लिए ताज महल बना देते हैं। अगर तुम जैसे लड़कों को कोई लड़की कान में फूल लगा देगी ना, तो तुम जैसे लोग अपने आप को नसीब वाले समझकर उसकी पूजा करने लगते हो। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना, है ना? अंकल सुबह सुबह ही कार ठीक हो जानी चाहिए, मुझे कहीं जाना है। क्या बेटा, आज ही तो आए हो और वापस जाने की बात कर रहे हो। आज के दिन तुम्हारे आने के लिए हम लोग तुम्हारा 360 दिन राह देखते रहते हैं। इतने दिनों बाद आते हो और चले जाते हो, तुमसे फिर कब मुलाकात होगी यही राह देखते रहते हैं। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें यहाँ का वातावरण पसंद नहीं है, ये मुझे अच्छे से पता है। भगवान के लिए ऐसा मत समझिए अंकल, इस घर के कोने कोने में मेरी माँ की यादें बसी हुई हैं, और उन यादों में मैं अपनी माँ को गंवा चुका हूँ। ये बात मुझे सुई की तरह चुभती है। मेरी माँ नहीं है ये मुझे कभी फील ही नहीं हुआ अंकल। अरे आप खाना खाइए ना। जो शर्त जीती बिल्कुल मजा आ गया। हाँ, और टाइगर के घर का खाना तो बहुत ही टेस्टी था। अगली बार सब लोग थोड़ा ज्यादा खाना लेकर आना। यहाँ देखो क्या मिला, फूल, कुमकुम, हल्दी, ये सब यहाँ कैसे आया? तुम जैसी लड़कियाँ फूल, कुमकुम, हल्दी वगैरह सब भूल चुकी हो, इसीलिए तुम जैसी लड़कियों को याद दिलाने के लिए भगवान कभी कभी पानी में ये सब चीजें बहा देते हैं। ए, तुम जाओ यहाँ से। दीदी पता नहीं ये सब चीजें कहाँ से आई है, आप कुमकुम क्यों लगा रही हो? जो भी हो, जिसने भी बहाया हो, लेकिन एक लड़की के लिए हल्दी, कुमकुम, फूल, ये सब चीजें बहुत मायने रखते हैं। बताओ कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत लग रही हो। ए, मंगलसूत्र, देखो मंगलसूत्र। दीदी फेंक दो उसे। ए, जो मिलता ही उसे फेंकते हैं क्या भला? फिर इसका क्या करूँ मैं? और 4-5 साल रख लूंगी तो? रख लूंगी तो नहीं तुम्हें पहना दूंगा। तेरी तो आराम से गिरना नहीं।
तेरा नाम। क्या बात है, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आज मैं खुश हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? जब आप बहुत खुश होते हैं या दुखी होते हैं तब मुझे यहाँ लेकर आते हैं। ये जगह हमारे सुख की दुख की साक्षी है। अच्छा ये सब छोड़िए, पहले बताइए कि मुझे यहाँ लाए क्यों हैं? आंखें बंद करो, बताइए। हाँ, और जब तक मैं ना कहूँ खोलना मत। अब खोलो। अब खोलो। हाँ। मम्मी। ए दीपू, आओ 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 आओ, आ जाओ। ए, ए, संभाल कर, संभाल कर बेटा। क्या पापा, आपकी पत्नी तो बहुत खुश लग रही है। ये क्या है? ये तो बहुत छोटे हैं, मुझे नहीं आएगा पापा। ये तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं है? फिर किसके लिए है? मेरी बेटी की बेटी के लिए है। ओ, बेटी की बेटी के लिए। तुम्हारी बेटी की बेटी। भौरा चाहता है कि भूल हिल जाए, वैसे आप लोग भी यही चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी से पहले पोती हो जाए। नियम बदलना होगा। बहुत होशियार हो गई है ये। ये क्या, बिल्कुल दुल्हन की तरह कुमकुम, हल्दी और फूल लगाकर आई हो? ओ, ये सब? हाँ। मेरी ना बस मिस हो गई थी तो मैं कॉलेज बंक करके बहुत सारा मीठा खाके पानी पीने के लिए नदी पे गई थी। ये सब मुझे पानी में बहते हुए मिला। भगवान जी का प्रसाद समझ के मैंने ये सब लगा लिया। मम्मी। हाँ? मुझे इन सब के साथ मंगल सूत्र भी मिला। मंगल सूत्र? हाँ। तो तुमने उसका क्या किया, फेंक दिया क्या? नहीं, नदी के पास जो पेड़ है ना उसमें बांध दिया। रिकी। हाँ? कल सुबह तुम्हें निकलने के लिए दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर दिया है। मैं तुम्हारी गाड़ी की रिपेयरिंग करा के भिजवा दूंगा। नो 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 नो, मैं अपने डार्लिंग को छोड़कर नहीं जाऊंगा अंकल, मैं अपनी गाड़ी खुद ही रिपेयरिंग करके ले जाऊंगा। रिकी, आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। क्यों अंकल, मैं कहीं जा रहा हूँ इसलिए? छी छी, इस बार तुम 2 दिनों के लिए यहाँ रुक गए इसलिए खुशी हो रही है मुझे। बहुत अच्छा लगा मुझे। नो भाई साहब, थैंक्स इसे नहीं, उस लड़की को कहिए जिसने इसे रोका है। लड़की? कौन सी लड़की? इसके कान में जो फूल लगाई थी ना, वही लड़की। क्यों रे बट्टा? बगल में वो पुल दिख रहा है, उसमें उठाकर फेंक दूं क्या तुझे? नहीं, जिसकी वजह से मेरी डार्लिंग गाड़ी डैमेज हुई है और जो मुझे कान में फूल लगाकर चले गए उसे थैंक्स कहने के लिए बोल रहा है? नहीं हो सकता है। अच्छा वो धीरा 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 ना, धीरा धीरा ना, धीरा ना, धीरा 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 ना, धीरा धीरा ना, धीरा ना। ए, हाँ? वो आकर गैराज के मालिक के बारे में पूछेगा तो बता देना मालिक गाड़ी का पार्ट्स लेने गया है। ठीक है, मैं छुप जाता हूँ। ऑल इन वन मैकेनिकल गैरेज, डॉक्टर मंजू MBB। हाय, आई एम रिकी। मेरा नाम लोकेश है, लेकिन प्यार से मुझे लोग बुल्ली बुलाते हैं। क्या कहकर बुलाते हैं? बुल्ली। बुल्ली? तुम वो? ये सब मेरा ही है। बुल्ली। हाँ? ये डॉक्टर जानी कहाँ है? वो अभी शहर में जा चुके हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी वो नीचे घुस चुके हैं। ओहो, पार्ट्स लाने के लिए शहर में गए हुए हैं। वो शहर में गए हैं। कितना भी समझा दो अपनी जुबान पे लगाम नहीं लगाता है। मुरली। हाँ? तुम्हारा जो मैकेनिक है वो यहाँ का मालिक है कि वर्कर? अच्छा, तो तुम्हें भी डाउट हो रहा है? वो हमें मालिक की तरह नहीं लगता है। एग्जैक्टली, उसे देखकर लगता नहीं है कि वो मालिक है। तो फिर कैसे दिखते हैं? उसे देखकर तो ऐसा लगता है। कैसा लगता है? क्या डॉक्टर साहब, नीचे देख क्या, इसने तो बताया कि तुम पार्ट्स लाने के लिए शहर में गए हो। पार्ट्स ऑब्जर्वेशन में है। गाड़ी ऑब्जर्वेशन में, ये मैं कह रहा था। ऑब्जर्वेशन में है? नहीं रिकी भाई, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करके डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखता है ना, उसी तरह गाड़ी को मैं भी अपने ऑब्जर्वेशन में रखता हूँ, इस गाड़ी का।
ऑब्जर्वेशन में कहकर मुझे कहानी मत सुनाओ। मेरी गाड़ी आधे घंटे में तैयार करो। अब क्या है? आप कह रहे थे कि मैं मालिक की तरह नहीं दिखता हूँ, तो फिर मैं कैसे दिखता हूँ? अरे जाने दो, छोड़ो। भाई 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 बताओ ना भाई। अरे छोड़ो ना यार, बताओ ना भाई, बताओ। बताना ही पड़ेगा। बताओ ना। ठीक है, इधर आओ। तुम ना मालिक की तरह नहीं लगते हो, तो कैसा दिखता हो? ब्रोकर की तरह लगते हो। अरे ये कौन बोल रहा है? ये रुक जाओ, समझ गए, गिरना नहीं बच्चों। ये धीरा 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 ना, धीरा धीरा ना, धीरा ना, धीरा 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 ना। डार्लिंग, वो सामने से ही आ रहा है और ऐसा लग रहा है हमें ही घूर रहा है। उसके कान में जो तुम फूल लगाई थी ना, ऐसा लगता है उसका गुस्सा अभी भी है उसे। उसे उठाने के लिए तुम लोग अपनी कमर कस लो, एकदम चौकन्ने रहना, ओके? हाँ? मुझे नहीं उसे, अगर कोई बात हो गई तो मैं उसे मारूंगी, ये मुझे नहीं पता। तुम लोग मेरी तरफ ही रहना। हाँ। अरे संभाल के, जरा देख कर चलो। चलो चलते हैं। चलो 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 चलो, जल्दी करो। अंकल हाथ दीजिए। खा खा के गेंडे की तरह हो गया, चल बैठ जा। अच्छा, ए हंसा कहाँ रह गई? दीदी उसके घर गई थी, ताला लगा हुआ था, लगता है कहीं भाग गई है। ओ अच्छा। चलो चलो आओ, जल्दी जल्दी चलो, निकलने वाली है गाड़ी। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। गाड़ी बढ़ाओ। सामने से कहां से आ गया? गाड़ी मैंने रिपेयर किया नहीं, अब ये मेरे पे भड़केगा। ब्रोकर जॉन, एक्सक्यूज मी, कॉल मी डॉक्टर मैकेनिक मांझा। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन मैकेनिक की गाड़ी खराब हो गई। क्या कहा? डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ता। होता है ना, लेकिन पेशेंट को ही डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब देखो तब तुम पानी में भीग के आते हो। बात क्या है? ऐसे ही, जब देखो तब आकाश से मेरे ऊपर अमृत टपकता है, है? मतलब एक नंबर का कभी ना, कभी ना मत बोल, चुप। जब देखो मुंह खोलती है। अच्छा वो सब ठीक है, आज कपड़े वगैरह झाड़ झूड़ कर कहाँ जा रहे? सॉरी, आज मैं हवाओं में लुफ्त उठा रहा हूँ। किसी से प्यार हो गया क्या? मुझे भी ऐसा ही लगता है। कल मैं गाड़ी वॉश कर रहा था, वो मुझे देखते हुए आई और एक दिन छी बेवड़ा ऐसा बोली। मुझे बेवड़ा शब्द सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा, इसलिए सुबह सुबह नहा धोकर मैं उसकी यादों में झूमते हुए जा रहा था।
लगा लगा उसकी यादों में खोते हुए जा रहा था। रिकी भाई, I'm extremely sorry भाई। आप टेंशन मत लो भाई, गाड़ी शाम तक रिपेयर होके मिल जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ भाई, गाड़ी जल्दी से रिपेयर करके आपको दे दूंगा भाई। कूल कूल, आराम से यार, शांति से काम कर। तुम अभी अभी प्यार में गिरे हो, हमारे पास भी दिल है यार, तो मैं तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ। ये आप ही बोल रहे हो रिकी भाई? यस, दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, और प्यार से जरूरी कोई चीज नहीं होती। Take your own sweet time. ये तो कहीं और जा रहा है, ये कहीं गड्ढे में ना गिर जाए। गिर गया हूँ किसी के प्यार में। हाँ, total confusion. खेलते खेलते भाई, मुझे दो, मुझे पकड़ने दो। हे बच्चे लोग, हाय। हाय लोटस मैन। तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। हंसा। हंसा, ये यहाँ क्यों आया? हाय फ्रेंड्स, मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ क्या? तुम सब आ जाकर खेलो। ए, तुम भी आ जाओ। किसके लिए आए हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। साइकिल की तरफ क्या देख रहे हो? साइकिल चलानी आती है क्या? नहीं सर। साइकिल चलाना सिखाओ तो सीखोगे क्या? ये क्या करने जा रहा है? ए, चलो नीचे उतरो। साइकिल चलाने दिया तो सीट पर बैठोगे क्या? पहले हाफ पेडल मार कर चलाओ, उसके बाद तुम सीट पर बैठना। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है अभी। अगर तुम्हें साइकिल चलाने सीखना है तो यही रूल्स हैं। या मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरे शिष्य हो। ठीक है गुरुजी, बताइए मुझे क्या करना है। पहले साइकिल के बीच में पैर डालो। ठीक है। और हैंडल का बैलेंस बराबर रखो। हाँ। अब चला चलाओ, चलाओ चलाओ चलाओ, हैंडल संभाल कर, हैंडल का बैलेंस सही से रखो। राइट में मत जाओ, राइट में मत जाओ, लेफ्ट 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 में जाओ, लेफ्ट में संभाल कर, ध्यान से संभाल कर, ज्यादा लेफ्ट में मत जाओ, राइट में बैलेंस रखो, संभाल कर, आगे नदी है, ज्यादा लेफ्ट में मत जाओ, राइट में जाओ, रुको, अरे अंकल, राइट, अरे अरे राइट 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 में जाओ, सही से राइट। अरे बाप रे, अरे यार मम्मी, अरे पापा, क्या हुआ? चोट लग गई? ओहो, कितना खून निकल रहा है। तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आती क्या? कह रहा था नहीं आती है, मैं ही ऐसे सिखा रहा था। मैं जो कह रहा था वो इसे समझ में नहीं आया, थोड़ा ग्रिपिंग पावर कम है। जाकर हाथ की सफाई करके माँ से कहना मरहम लगा दे। ए, चलो। हाँ हाँ ठीक है चलो। अरे हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं तुम ये देने के लिए यहाँ तक आए थे? टाइगर, जरा इसे बताओ तो, इस मौसम में इसका घाव जल्दी कैसे ठीक होगा? दीदी, मेरे पास एक सुपर ट्रीटमेंट है, बताओ क्या? हाँ बताओ। ए, घर पर जाकर इसके अंदर ये कर देना, समझे क्या? हाँ, घाव ज्यादा जल्दी ठीक होगा। मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे ही करना, ठीक है? क्या बताया? ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, चलो दीदी। थैंक्स टाइगर। बाप रे, चलिए चलिए जल्दी चलिए।
देर मत करो, आइए बहन जी, देर क्यों लगा रही है इतना, आइए क्या देख रही है, चलिए। हाय हंसा। How are you? सुनो दीदी, वो तुम्हें ही कह रहा है। Thanks. मुझे ट्रीटमेंट देने के लिए। लेकिन कुछ भी बोलो, तुम्हारा हाथ दम बहुत अच्छा है। हर जगह ऐसे गिरते पड़ते रहोगे तो मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगी, बता दो उसे। हेलो, मैं हर जगह गिरने वाला नहीं हूँ, बता दो टाइगर उसे। Excuse me? Yeah, yeah. You go ahead. Give me file. Sir. Thank you. Hello. Hi, Dad. हाय रिकी। डैड, मीटिंग कैसी चल रही है? फैंटास्टिक। माँ के कार्यक्रम के लिए एक दिन के लिए गए थे और इतने दिन रुक गए, कोई खास बात है क्या? डैड वो एक्चुअली कोई एक्साइटिंग न्यूज? यस डैड, आई एम इन लव। व्हाट? डैड कुछ नहीं। ए, तुम क्या कह रहे हो? फिर से कहो, फिर से बोलो। डैड, आई एम इन लव। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन इस काम के लिए तुमने बहुत देर कर दी। कम से कम अब तो प्यार करने के बारे में सोचा तुमने। गो अहेड मैन। थैंक यू डैड, थैंक यू। आई एम इन लव। अंकल, क्या हुआ? संभल के, संभल के, संभल के। वो सीधे मेरे सामने आ गया और मैं ध्यान नहीं दे पाया। एक्सीलेटर पे पैर रख के चलाना चाहिए, पत्थर पे पैर रख के चला रहा है। सर, इस एक्सीडेंट के बाद मुझे लगा कि आप बचोगे ही नहीं, पर आपकी गाड़ी कहाँ है सर? गाड़ी? वो यही कहीं होगी, मैं देखता हूँ। अच्छा, आपको चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे ना? जस्ट मिस हो गए। जहाँ गाड़ी है वहाँ अगर आप होते तो आप बचते ही नहीं सर। अंकल, लगता है चोट बहुत गहरी है, हॉस्पिटल चलते हैं। ज्यादा चोट नहीं बेटा, खरोंची है। मंजू, मेरी गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है, जरा लेके आना। ला रहा हूँ। यहाँ देखिए अंकल, कितना खून बह रहा है आपका। रहने दो ना बेटा, थोड़ा सा ही तो है। अंकल, एक अनाथी माँ बाप की कीमत समझ सकता है, और दो बूंद खून की कीमत क्या होती है ये मरते हुए इंसान को ही पता है। अरे जल्दी आना। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। पूरा बॉक्स कहाँ पर है? तुम इस बॉटल की दवा लगाओ, मैं लेके आता हूँ। एक मिनट अंकल, थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा चलेगा, एक मिनट। हाँ, निकल निकल, ये पकड़। ये ले अंकल, भगवान के पास क्षमा होती है और खून में प्यार होता है। उस प्यार भरे खून को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए अंकल। अंकल, अभी सिर्फ बैंडेड लगा रहा हूँ, लेकिन हल्के में मत लेना। घर जाते ही अच्छे से ट्रीटमेंट करवा लेना, ओके? ओके, थैंक यू बेटा। अंकल, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, जो तुमने किया बहुत है, थैंक यू। ओके, जरा ध्यान से। अंकल, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। अरे तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, मैं चला जाऊंगा, ठीक है? पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। कोई बात नहीं अंकल। हाँ। अगर आपकी गाड़ी में कुछ भी बचा होगा तो मैं अपने हॉस्पिटल ले जाऊंगा, उसके बाद वहाँ ट्रीटमेंट करके गाड़ी आपको वापस कर दूंगा, चिंता मत करो। ये थोड़ा सा ऐसा ही है। ओके ओके, थैंक यू। पापा, क्या हुआ पापा? अरे कुछ नहीं बेटा, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ वो। हाँ बेटा, रोड से आ रहे थे तभी इनके सामने ट्रक आ गई, और उस ट्रक वाले को बचाने के चक्कर में इनकी ये हालत हो गई। कह रहे हैं कि वहाँ के दो लड़कों ने इनकी मदद की। स्कूटर कहाँ है? कह तो रहे हैं कि स्कूटर वहीं खड्डे में गिर गई। छोड़ो ना बेटा, हो जाता है। स्कूटर तो एकदम कबाड़ हो गया। उन लड़कों ने मुझे उठाकर फर्स्ट एड की और स्कूटर को गैराज लेकर गए। जिसने आपकी हेल्प की वो बहुत ही कंजूस है ऐसा लगता है। ऐसे कोई पट्टी लगाता है क्या? अरे उन्होंने हेल्प की ना। मैं अभी आती हूँ। हाँ, हाँ?
क्या कर रही है? हाँ, आप ठीक हैं। मैंने पोंछ दिया, नहीं तो गंदा हो जाता। hey, मैं तुझे पगार देता हूँ तो इस रेंज का कपड़ा पहनता, अगर मैं तुझे पगार नहीं दूँ तो? नहीं दूँ तो? तो मैं इससे बड़े गैराज का मालिक होता और बड़ी से बड़ी कार में आता। बुल्ली, मुझे तुम्हारी ये बात पसंद आई। अगर तुम बड़े से गैराज के मालिक होगे तो मेरे साथ कैसे बर्ताव करोगे? आपके साथ में? नहीं नहीं, तुम तो मेरे मालिक हो, मैं तुम्हें हमेशा मेरे साथ रखता। की क्या करवाती? क्लीनिंग करवाता। मजाक करता, मजाक करता। देखो, इस गाड़ी का मालिक अभी आने वाला है और उसके हाथ ही ना, ये बिल उसके हाथ में दे देना। ये तो दो दो बिल है। एक बिल गाड़ी रिपेयर करने का, दूसरा बिल उसे यहाँ लाने का। आते ही वो चेक देगा, जाके बैंक में डाल देना, समझा? हाँ, चेक? हाँ। अगर चेक के बजाय कैश दिया तो मैं उसमें से पैसे बचा कर गाँव में जाकर आराम से सेटल हो जाऊंगा। कहाँ मैं इस पोपट के पास फंस गया। प्यारे, पैसे वैसे का ख्याल अपने मन से निकाल दे। बिना पैसे लिए अगर तू काम करता रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरी लाइफ ग्रैंड मैं बना दूंगा और अमूल जैसी सफेद लड़की के साथ तेरी शादी करवा दूंगा। बॉस, आप मेरी शादी करवा रहे हैं? अपनी शादी तो होती नहीं, मेरी शादी करने चलाया। उसकी शादी से तेरा कोई संबंध नहीं है। अमूल जैसी लड़की से शादी करे। सुबह सुबह यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी। रिक्की भाई, वो सामने जो देख रहा है वो रिक्की भाई आ रहा है, उसे जल्दी से बिल दे। रिक्की भाई को बिल दे। भाई रिक्की भाई, बोल ले सर, बिल। मैकेनिक मंजू साहब, हाँ। गाड़ी फुल रेडी हो गई ना? पानी आ रहा होगा तो गाड़ी चलेगी क्या भाई? फुल होने के बाद बिल लगता है। सुबह की राह देखते हुए गाड़ी के अंदर सो रहा था भाई। हाँ, पता चल रहा है। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा। आपका जख्म तो भर गया ना? हाँ, बिल्कुल। आप अपनी गाड़ी ढूंढ रहे हैं सर? हाँ। आपकी गाड़ी के पार्ट्स ढूंढ के मैं परेशान हो गया हूँ। फुल कोमा स्टेज में है, रिकवरी का कोई चांस नहीं है। हाँ? आप गाड़ी की आशा करना छोड़ दीजिए सर। हाँ? गाड़ी देखनी है? हाँ? वो रही। बेटा जॉनी, अभी ये गाड़ी नहीं बनेगी क्या? बड़ी मुश्किल है सर। आप कबाड़ में भेज दीजिए। हे, तुम मेरी गाड़ी को कबाड़ में बेचने के लिए कह रहे हो? पता है इस गाड़ी ने मेरा कितने सालों तक साथ दिया है? ये तुम लोगों को कैसे पता होगा? नहीं, I'm sorry, sir. अंकल, आप इतने सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो अंकल? इसमें भी तो जान है ना? किसी भी तरह इस गाड़ी को ठीक कर दो ना, प्लीज। कह रही हूँ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो?
हेलो, आगे जाने वाले को पीछे से आवाज देकर ये क्यों कह रही हो कि मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तुम्हारी अक्ल तो ठिकाने पर है ना, और उस पर भी चाहे रोड हो या फिर लाइफ हो, हर किसी को किसी के आगे या पीछे चलना ही पड़ता है। तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ये कॉलेज है। उस वक्त तुम्हें चोट लगी थी इसलिए मैंने भूख लगाई, दूर से भागते हुए आए थे इसलिए मैंने पानी पिलाई, और गिरने से तुम्हें चोट लगी थी इसलिए मिट्टी लगाई थी। इतनी सी बात के लिए पीछे पड़ गए और आज कॉलेज तक आ गए? तुम लड़के एक जैसे ही होते हो, कोई सुंदर सी लड़की दिख जाए ना तो हाथ धोके उसके पीछे पड़ जाते हो, थोड़ी सी सहानुभूति क्या दिखा दे उसका पति बनने के लिए तैयार हो जाते हो। हाँ बिल्कुल, जो कह रही हो सच है, लेकिन जो सुंदर सी लड़कियाँ होती हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? मतलब तुम अपने आप को एक खूबसूरत लड़की समझती हो क्या? इतनी बड़ी गलत फहमी में हो तुम यार, इसलिए मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ ऐसा समझने लगी हो क्या? ओह माय गॉड, एक्चुअली मैं तो इसलिए आया था कि मुझे इस कॉलेज में कोई सुंदर सी लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम कंफ्यूज मत हो ना। देखो तुम अपने आप को बहुत ही सुंदर समझने लगी हो ना। हे, ये तुम्हारे घर में अगर आई ना हो तो एक बार अपनी शक्ल जरूर देख लेना उसमें, तुम कैसे दिखते हो पता है क्या तुम्हें? ये गंगा और कावेरी नदी का काला कीचड़ एक साथ मिलाकर दीवार पर मारने पर जो चित्र बन जाता है ना, वैसी लगती हो तुम। मन करता है कि जोर से गोबर उठाकर चेहरे पे मार दिया जाए, तो जो चेहरा बनेगा ना वो तुम्हारा असली चेहरा। क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हें फॉलो करूंगा? अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा नाम है रिकी और मेरी उम्र प्यार करने लायक हो गई है, हाइट है 5.11 इंचेस और वेट है लगभग 50 किलो या 7-8 किलो ज्यादा भी हो सकता है, और रंग है बिजली की तरह एकदम सफेद, और पेट पालने के लिए मैंने एक बिजनेस खोल के रखा है। फिर से कंफ्यूज मत होना, ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, इसका मतलब मेरी योग्यता के अनुसार कोई क्यूट सी लड़की ब्यूटीफुल अगर तुम्हारी नजरों में है तो 9145032 पर कॉल करना। अब लेकिन आईना देखना मत भूलना। उसने मुझे समझ क्या रखा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग बताओ मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? मेरे घर पे आईना नहीं है? ए, मैं यहाँ चिल्ला रही हूँ और तुम लोग चुपचाप बैठो, पूछोगे नहीं क्या बात है? कहानियाँ सच होती है, हम उसमें ऐसा क्यों है कह सकते हैं क्या? ए? तो फिर सब ठीक से समझाओ ना। ए, जरा मुझे अच्छे से देख के बताओ ना, क्या मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ क्या? दीदी तुम हमारे गांव की हीरोइन हो। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अरे नहीं, वो मुझसे कहता है गंगा और कावेरी की काली मिट्टी की कीचड़ दोनों को ऐसे अच्छे से मिला के उसकी लेप बना के ऐसे दीवार पे जोर से मारोगे ना तो दीवार पे जो चित्र बनेगा वैसे लगती हूँ मैं। क्या उसने तुम्हें ऐसा कहा? अब तो मुझे उसे देखना ही पड़ेगा, ये सबको मुझ पर छोड़ दो। दीदी इस बार तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगी। ए, ऐसा क्यों? और नहीं तो क्या, कावेरी और गंगा की मिट्टी का क्या मतलब होता है तुम्हें पता है क्या? तुम में तो थोड़ा भी सेंस नहीं है, कैसे पास होगी तुम? हाँ और नहीं तो क्या, ये सब तो प्रकृति का नाम है और आपको तो कुछ पता ही नहीं है। प्रकृति का मतलब औरत होती है ना दीदी, प्रकृति हमेशा सुंदर ही होती है और आपकी सुंदरता को उसने प्रकृति के जरिए समझाया। इसीलिए कहा जाता है कि औरत की बुद्धि घुटने में होती है। चलो रे, हमें स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। चलो चलो गाड़ी बढ़ाओ। लगता है किसी को ढूंढ रही हो। मैं किसे ढूंढूंगी? और किसे? तुम्हें ही तो कह रहा हूँ। क्या मैं किसी को भला क्यों ढूंढूंगी? इसका मतलब तुम मुझे ही ढूंढ रही थी। तुम्हें मैं क्यों ढूंढूं?
वो भी मैं। तुम कोई हीरो हो क्या? सभी लोग तो यही कहते हैं। देखो तुम्हें नहीं लगता क्या? घर जाकर आईने में अच्छे से शक्ल देख लेना। आईने में तो वो शक्ल देखते हैं जिन्हें डाउट होता है। बातें बनाने में कम नहीं हो, लगता है मैं ही पागल हो गई हूँ जो तुमसे बात कर रही हूँ। अब ठीक है, अब हम अपनी बात पर आते हैं। अपनी बात पर? कौन सी अपनी बात? आहा, मैंने कल अपना बायोडाटा देते हुए अपने लिए क्यूट सी लड़की ढूंढने के लिए कहा था ना। हेलो, तुमने मुझे क्या समझ लिया? मैं तुम्हारे लिए क्यूट सी लड़की ढूंढ कर लाऊं? ओके, कूल 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 कूल। तो तुम मेरे लिए क्यूट सी लड़की ढूंढ कर नहीं ला सकती हो? जाने दो, छोड़ो। कम से कम तुम अपनी तरह कोई बेकार सी एकदम जाया हो चुकी लड़की तो ढूंढ कर ला दो। क्या कहा? लड़की मेरी तरह बेकार रहेगी तो भी चलेगा, वो भी तुम जैसे लड़के के लिए। तुम कहो तो सच बताऊं मैं कि तुम मुझे कैसे दिखते हो? कैसा लगता हूँ? हाँ, तुम्हें मैसूर पता है ना? मैसूर? वो भी मुझे? मैसूर में एक जू है, तुम्हें पता है ना? वहाँ जू में जाकर ऐसे दाएं मुड़ोगे तो वहाँ पे तुम्हें एक मोर, चिड़िया, शेर ये सब दिखाई देंगे। और वहाँ से अगर तुम बाएं जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे लाइन से पिंजरे लगे हैं। वहाँ पे कौन से में? 1, 2, 3, 4। हाँ, वहाँ चौथे पिंजरे में ना एक बहुत बड़ा सा बंदर है, तुम उसी की तरह दिखते हो। करेक्ट बोला, उसी जू में उसी लाइन में 8वें नंबर में पिंजरे में एक बंदरियां भी है और वो उस बंदर को कब से बाहों में भर लेती है। ये तुमने देखा है क्या? अरे तुम्हारी तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। आज मिलेगा ना तो उसे नहीं छोड़ूंगी। हेलो, हेलो मिस्टर, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? कुछ भी करोगे तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं कब से देख रही हूँ तुम्हें, जहाँ जाती हो मेरा पीछा करते हो, कॉलेज तक पहुँच गए, मुझे गंगा की मिट्टी भी कहते हो, क्यूट सी लड़की ढूंढ कर ला दो ये भी कहते हो, कहते हो तुम्हारी तरह बेकार होगी तो भी चलेगा, मुझे तुमने क्या समझ रखा है बताओ। I love you. वो सच है क्या? ये प्यार झूठा प्यार नहीं है। दीपू, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, सर में दर्द हो रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है बस। जब तू मेरे पेट में थी तब तू सोई है या जाग रही है, तुझे भूख लगी है, कोई तकलीफ तो नहीं, हर बात का पता रहता था। अब तो तू मेरे आंखों के सामने है तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? कोई बात नहीं है माँ, तुम जाके सो जाओ। मन में कोई बात चल रही हो तो आंखों में नींद कैसे आएगी? क्या हुआ बेटी? हाँ? हाँ? बुखार है क्या? तबीयत ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ पापा। हाँ? हाँ? चलो अभी सो जाओ। हाँ? सो जाओ। ए, चलो। सो जाओ। पापा? क्या बात है बेटी? मैं आपसे एक बात पूछूं क्या पापा? पूछूं? ये आज पहली बार ऐसे बात क्यों कर रही है? तुम इसे कुछ पिलाना भूल तो नहीं गई? मैंने मैंने तो इसे सब कुछ पिला दिया था अपनी तरफ से। बेटी, हाँ? मुझे बताना क्या पूछना चाहती है? जल्दी पूछना, दिल जोर से धड़क रहा है। पूछना बेटी, चल पूछ। आप दोनों की शादी प्यार में पड़ने के बाद हुई थी ना?
इसकी साक्षी तुम हो। क्या बात है बेटा? हम अपने प्यार को मिला लेते हैं। अरे क्या मिला लेते हैं? हम तीनों में प्यार मिलाने की बात कहाँ से आ गई? अगर आप परमिशन देंगे तो चौथे को मिला लूंगी, ऐसा कहना चाहती हूँ। क्या चौथे को? कौन है वो? एक लड़का। एक लड़का है? हाँ, लड़का है। कह रही है ये क्या कह रही हो तुम? मुझे अच्छा मुझे प्यार करना चाहिए ऐसा लग रहा है। आप दोनों मुझे परमिशन देंगे ना? सोच लीजिए, आप अपना समय लीजिए। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन वो हमारे लिए छोटे ही होते हैं। ये प्यार और शादी की बात जब आती है ना, तब पता चलता है कि वो बड़े हो गए। शांति, दुनिया में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो ये कहे कि मुझे प्यार करना है, परमिशन चाहिए। ऐसा सिर्फ हमारी बेटी दीपू ही कह सकती है, और ऐसे माँ बाप भी सिर्फ हम ही होंगे। हमारी बेटी हमें इतना मानती है, इसका मतलब। हाँ जी, दुनिया में कितने बच्चे हैं जो अपने प्यार के बारे में अपने माँ बाप को बताए बिना ही सब कर लेते हैं, और एक हमारी बेटी है। इतने सालों बाद और इतने प्यार से उसने अपने प्यार के बारे में हम दोनों को सब कुछ बता दिया। वो हमारी बेटी है, उसका हम पर प्यार और भरोसा दोनों है। ऐसी बात है तो हाँ है ना? हाँ, 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 हाँ। इसका मतलब ना है? यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। यस कहूं या नो कहूं, वो कौन है हम जानते भी नहीं। हाँ कहने पर कल क्या होगा, इस बात का हमें डर है, और ना कहने से दीपू इसे दिल से ना लगा ले। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनिए जी, दीपू को उस लड़के पर विश्वास, भरोसा, प्यार होगा, ये सब होने के बाद ही उसने हमसे परमिशन मांगी होगी। ऐसी बात है तो हम उसे बुलाते हैं। हाँ। पर अगर बुलाने के बाद वो लड़का हमें पसंद नहीं आए तो? फिर भी वो उसी को पसंद करेगी जिसे हम पसंद करेंगे। वो हमारी बेटी है, हमेशा सही फैसला लेगी। हाय गर्ल्स। हाय। आप लोग कॉलेज किस लिए आती हो? पढ़ाई करने। ऐसी बात है तो लाइब्रेरी जाकर थोड़ा सा पढ़ लो ना। चलो चलो। ए दीपा, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। थैंक यू गर्ल्स। मैंने आई लव यू कहा और तुमने पूछा तुम सच कह रहे हो क्या, उसके बाद तुम कुछ बोली नहीं।
कोई बात नहीं, रहने दो। अगर मुंह से नहीं कहोगी तो आंखों से तो कह सकती हो। मेरी आंखें कुछ नहीं कहती। आंखों का इशारा ही जुबान होती है और मन के लिए आंखें ही माँ होती हैं। हाँ, तुम लड़कियां ना प्यार में बड़ी खिलाड़ी होती हो। हाँ कहने के लिए हजारों नाटक करती हो, तब तक जब तक हम लड़के खुद ही तुम्हारे पीछे घूमकर अपने प्यार का इजहार नहीं करवा लेते। ये कैसा न्याय है बता? बाप रे! अरे क्या वो मेरे एचओडी है। कौन है वो? देखो इस तरफ ही आ रहे हैं। ओह अच्छा, वो तुम उन्हें जानते हो? नहीं, अभी मैं उसे जान पहचान कर रहा हूँ। सर नमस्ते, श्रीनिवास जी। सॉरी, आई एम रंगनाथ। अरे बस आपकी पोजीशन में थोड़ा फर्क है। चुप हो जाओ। सब कुछ ठीक है ना? 50-50। तुम कैसे हो? अच्छा हूँ सर, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा रिजल्ट का टेंशन है। रिजल्ट का? कौन सा एग्जाम है जो मुझे पता नहीं है? चुप रहो ना, मुझे गुदगुदी हो रही है यार। सर वो एग्जाम नहीं सर। तो फिर लव एग्जाम। लव एग्जाम में बहुत टेंशन होती है, बट ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके ओके। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? सीधे एचओडी को बता रहे हो। गलती से अगर देख लेते तो क्या समझते? क्या समझते? एक लड़का एक लड़की दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन तुम ये सब कुछ छुपा रही हो। मतलब तुम्हें मुझसे प्यार है ना? खाना तैयार है ना? हाँ बेटा, सब कुछ रेडी है। बाय बाय। हाय बाय। संभाल के बेटा। बाय। सुनिए जी, आपने दीपू को देखा? हमसे परमिशन मांगने के बाद उसके बारे में बात ही नहीं कर रही है। कितनी नॉर्मल हो गई है ये। उसने सब कुछ हम पर छोड़ दिया है। उसने हमारे ऊपर छोड़ दिया है तो हम चुप रह सकते हैं क्या? हाँ। जाकर पूछताछ कीजिए ना। लेकिन हमें पता तो हो कि वो लड़का है कौन। ऐसे घर बैठने से थोड़ी पता चलेगा, कॉलेज जाकर पता लगाइए ना आप। तो मैं उसका पीछा करूँ? हाँ। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। उसे पता चला कि हम उसे फॉलो कर रहे हैं तो उसे इंसल्ट फील होगा। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। क्या जी, 5 रुपए की पेन खरीदने से पहले आप चेक करते हैं कि चल रही है या नहीं? ये तो हमारी बेटी। कम से कम ये तो देख कर आइए कि वो लड़का है कौन, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। ये ठीक होगा? हाँ? हाँ। हुँ। क्या हुआ जी? पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा। हाँ। ठीक है, रहने दीजिए। हाय दीपा। दीपा, तुम्हारे पास व्हाइट चूड़ीदार है क्या? पर क्यों? अरे है कि नहीं बोलो ना। पहले बताओ क्यों। अब बाप रे, कल रात मैंने एक सुंदर सा सपना देखा। ठंडी हवाएं चल रही थी, पेड़ पौधे सभी मदमस्त हवा में घूम रहे थे और पूरे रास्ते में कोहरा छाया हुआ था, और उस रास्ते पर तुम व्हाइट कलर का चूड़ीदार पहनकर लंबे खोले बालों में मेरे पास दौड़ते हुए आ रही थी। इसी तरह स्माइल देती हुई मुझे देखते हुए रिक्की आई लव यू कहते हुए कहने के लिए। लेकिन वहां मैं तुम्हें नहीं मिला। तुम बस में जाकर ढूंढ रही थी, लेकिन मैं बस में भी नहीं मिला तुम्हें। फिर कॉलेज के पास जाकर देखा, लेकिन वहां पर भी मैं तुम्हें नहीं मिला। और बताने का जो टेंशन हो रहा था सो अलग, उसी टेंशन में चलती रहती हो। और मैं एक नदी के किनारे बैठा मिलता हूँ तुम्हें, जहाँ तुमने मेरे कान में फोन लगाया था। मुझे देखते ही तुम मेरे करीब आ जाती हो, जोर जोर से हांफते हुए रिक्की आई लव यू। ऐसा मैंने कहा क्या? नहीं यार। ऐसा क्यों? तब तक मेरी आंखें खुल गई। सपने में भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई ना? अभी तो मैं तुम्हारे सामने बैठ गया हूँ ना, तो अभी तो बोल सकती हो ना आई लव यू।
एटलीस्ट आई हेट यू तो बोल दो। हाय अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो अंकल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए ना अंकल, ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं तुम जाओ, बेवजह परेशान हो गए। अरे अंकल मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, आप बैठ जाइए, मैं आपको उठा के नहीं ले जा रहा हूँ, आ जाइए। अरे नहीं तुम जाओ, मैं चला जाता हूँ। प्लीज अंकल। हाँ ओके। चलो। अंकल ऐसा लगता है आप अपनी गाड़ी को भूल नहीं पाएंगे, मार्केट में और भी तो कई नई गाड़ियां आई हैं ना। नहीं बेटा मुझे स्कूटर के अलावा कोई गाड़ी पसंद नहीं आती। रियली? यू आर ग्रेट अंकल। प्यार है तुम्हारे सिवा किसी और के बारे। बड़े खुश नजर आ रहे हो अंकल। एक लड़का हाँ? कब खुश होता है जरा बताइए मुझे। मुझे तो नहीं पता। जरा सोच कर बताइए ना अंकल, सोचो। कोई अच्छा सा काम मिल जाए, मनचाहा पैसा मिल जाए। अरे जरा सोच कर बताइए अंकल। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही बता दो। लव अंकल, लव। अंकल हाँ? आपने कभी किसी से प्यार किया? हाँ? अब भगवान के लिए बुरा मत मानिए अंकल। अंकल अगर आपको बुरा लग गया हो तो आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसी मजाक में पूछ लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी अंकल। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसे गुमसुम क्यों हो, कुछ बोलिए ना अंकल। बेटी का बाप ना। तब तो प्रॉब्लम तो होगी ना अंकल, गारंटेड। चाहे बेटा हो या बेटी, माँ बाप कभी भी प्रॉब्लम नहीं होते। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे माँ बाप हैं जो लड़की को बोझ समझते हैं। उन्हें इस बात की चिंता खाई जाती है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी की शादी कर दो और उसे घर से निकाल दो। लेकिन आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, फिर भी आप इतने गुमसुम क्यों हो, बात क्या है बताइए ना। वो प्यार है। प्यार? प्यार अंकल, वो भी इस उम्र में? वाह, वो लड़की कौन है अंकल? अरे मुझे नहीं है। आपको नहीं है? हाँ। तो फिर किसको? मेरी बेटी को है। ओ आपकी बेटी को? हाँ अंकल आपकी बेटी को प्यार है मुझे, मतलब यहीं उतरना है, मैं जाता हूँ। क्या हुआ अंकल? अभी मुझे कोई काम नहीं है, मैं फ्री हूँ, आपको कहाँ जाना है बताइए ना, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं मुझे पास में ही जाना है, मैं चला जाता हूँ अंकल। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बेझिझक बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपकी बेटी के प्यार का मसला है, मैं करूंगा ना हेल्प। ओके बाय अंकल। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। आप अपनी बेटी से मिलने आए हैं क्या? उसी के लिए आया हूँ। सर वो थोड़ा पेमेंट कर देते तो। हाय मैडम, कल आ जाना। हाँ सर कल आता हूँ। हाँ चलता हूँ सर। हम लड़कों की भाषा में अगर लड़कियाँ चुप रहे तो उसका मतलब होता है ग्रीन सिग्नल, करेक्ट कह रहा हूँ ना? तुम समझ रही हो ना? अरे बोलो ना क्या हुआ मैडम, चुप क्यों? अरे प्यार तो नगर पालिका का पानी या बस स्टॉप पर बस आने की तरह होता है, जब पानी आ जाए तो पानी भर लेना चाहिए और जब बस आए तो उसमें जाकर बैठ जाना चाहिए। प्यार भी वैसा ही होता है, जैसे ही प्यारों इजहार कर देना चाहिए। मुझे ये पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन उसे कहने की बजाय तुम तो टेस्ट मैच की तरह बस टुकुर टुकुर बॉल को खेलती जा रही हो। अब तो 50 ओवर के मैच की जगह 20 ओवर के मैच होने लगे हैं, तो कुछ तो बोलो यार, बोलो ना, बोलो तो। देखो मैं सच कह रहा हूँ, अभी तक मैं किसी के पीछे पड़ा नहीं था और ना ही अभी तक किसी को प्रपोज किया। मेरी माँ के बाद तुम वो दूसरी औरत हो जिसे मैंने प्यार किया है। जिंदगी में हर किसी को एक ही बार प्यार होता है और जन्मों जन्मों तक पहला प्यार ही साथ रहता है। मैं भी कई लोगों को समझाया करता था कि ये प्यार व्यार में क्या रखा है, ये सब फालतू की चीजें हैं, लेकिन अब पता चला कि ये कितना लॉजिकल होता है। इलॉजिकल चीज को लॉजिकल तुमने करके बताया, तो इसका मतलब तुम उनसे प्यार करती हो। दिया जलाने के लिए तेल की जरूरत होती है, तो प्यार करने के लिए दिल की जरूरत होती है, और हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। बस सिर्फ 2 दिन। तुम नजरों से शर्माते हुए, गालों पर लाली लगाए हुए मेरे पास भागते हुए आओगी। तुम्हारी गर्म गर्म सांसें मेरी सांसों से मिल जाएंगी और तुम कहोगी रिक्की आई लव यू। और अगर नहीं बोला तो ये कॉलेज, बस स्टॉप, नदी, ये गांव, सब के सब यहीं रहेंगे, लेकिन मैं यहां पर नहीं रहूंगा। तो चलता हूं। बाय। आ,
हे भगवान। रिकी। हे अंकल, आप यहाँ? जिस काम के लिए गए थे हो गया? कौन है वो लड़की? हाँ, तो आपने देख लिया? हाँ, ये वही लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ अंकल। और वो भी तुमसे प्यार करती है? नहीं। क्यों? अरे प्रपोज किए हुए 5 दिन हो गए हैं अंकल। इस हिल स्टेशन में सभी सिग्नल मिल गए हैं लेकिन उसका सिग्नल अभी तक नहीं। अंकल ये थोड़ी सी ढीली लगती है लेकिन कोई बात नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा। वो लड़की मुझसे ना बहुत ज्यादा प्यार करती है अंकल, लेकिन कहने में बहुत ज्यादा देर कर रही है। बड़ा रियली लव हर। लड़की सुशील है ना? हेलो, सुशील नहीं, बहुत सुपर्ब है। लगता है ये मेरे मन की सारी बात जान रहे हैं। अंकल आपकी कितनी बेटियां हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम उसके माँ बाप को जानते हो? जानता हूँ, क्या बोल रहे हो, मैंने देखा है। देखा है? कहाँ पर? उसकी आंखों में देखा है। हाँ? उसकी बातों में देखा है, उसकी चाल चलन में देखा है। अगर उसके माँ बाप ना माने तो क्या करोगे? हाँ? आप ही कोई आइडिया दीजिए ना अंकल। चलो चलो जल्दी चलो, क्या बात है आज सबके सब टाइम पर आ गए। रोज रोज लेट आने पे हमें हमारी फेवरेट सीट नहीं मिल पाती ना। सताया है तुमने मुझे। प्यार तो पहले ही हो चुका था, बस बोलने में थोड़ा टाइम लग गया। वो बस स्टॉप पे, नदी किनारे, वो कॉलेज में, तुम्हें वहां हमेशा रहना चाहिए। तुमने तो परमानेंटली मुझे इस गांव में रख दिया। अंकल! क्या हुआ रिकी, लड़की मान गई क्या? तुम्हें मिल गया क्या ग्रीन सिग्नल? यस यस यस, वो मान गई। यस 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 यस। बाप रे बाप रे अंकल। हाँ? इस गांव में बात करने के लिए आप मुझे एक अच्छे दोस्त मिल गए। यू आर सच अ गुड फ्रेंड अंकल। अरे अरे अंकल। हाँ हाँ, ये कौन है? श्रीमती जी है मेरी। हाँ? हाँ? नमस्ते आंटी। ये खुशी हो रही है? नहीं, तो नहीं, बुरा नहीं मानेंगी, हमारी भी लव मैरिज है। हम तुम्हारी फीलिंग समझ सकते हैं यार। यस यस यस। एक मिनट। ओके, लड़की तो मान गई है, उसके घर वालों का क्या होगा? अंकल लड़की तो मान गई है। हाँ? अगर घर वाले नहीं भी मानेंगे ना तो उठा कर ले जाऊंगा, घर वालों को मारो गोली।
कौन सी, बड़ी वाली या छोटी वाली? अंकल कॉमेडी। हेलो, मेरी बात सुनो। रुको अंकल, आप तो इसी गांव के रहने वाले हो ना, तो आप कहीं उसके मम्मी डैडी को ना बता दो, इसलिए बेचारी डर रही है, और कुछ नहीं। अरे कोई बात नहीं अंकल, जान पहचान के बहुत ही क्लोज है, मेरे फ्रेंड है, चाहो तो मेरे साथ तुम्हारे घर पर तुम्हारा हाथ मांगने के लिए भी आ सकते हैं। क्यों अंकल? ओफो अंकल, उसे ना एक तरह का डर है, डर डर रही है बेचारी, शर्मीली है ना। ए बुद्धू, वो मेरे पापा है। ओ, तुम्हारे पापा है क्या? पापा? पापा? ओ, हे रिकी, रिकी उठो ना, ये क्या अंकल, क्या कर रहे हो तुम? ये आप हमारी बेटी है। हम दोनों ने जब इसे परमिशन दिया तभी इसने तुम्हें हाँ कहा। अंकल थैंक, थैंक्स अंकल। सॉरी, मैंने बहुत कुछ बोल दिया आपके साथ मिलकर। आजकल के लड़के ना जाने क्या क्या देखते हैं, लेकिन तुमने इसके माँ बाप को देखा। यह हमें बहुत अच्छा लगा, मैं उसी समय राजी हो गया था। हेलो हीरो, अब तुम्हें किसी को भी गोली मारने की जरूरत नहीं है। अरे क्या अंकल आप, जाओ। अंकल मुझे एक डाउट है। डाउट कैसा? सबके घर के सामने बोर्ड पर लिखा होता है कि कुत्तों से बचकर रहना, लेकिन ये आपके घर के सामने ऐसा बोर्ड क्यों लिखा हुआ है? ओ, ये बात यही सवाल करता है। दरअसल ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। जब मैं इस गांव में पहली बार आया था ना, यहाँ मेरी जान पहचान के एक आदमी रहते थे, और वो लोगों की सहायता करने में हमेशा आगे रहते थे। हाँ, एक बार वो मेरे घर पर आए, उन्होंने कहा तुम्हारा घर बहुत एकांत में है, कभी भी चोरी हो सकती है, दरवाजे पर बोर्ड लगा दो कि घर में कुत्ता है। मैंने कहा घर में चोरी लायक कुछ है ही नहीं। फिर वो अगले दिन एक बोर्ड खुद लेकर आए, और जानते हो उस पर क्या लिखा था? इस घर में रहने वाले लोग बहुत ही प्यार भरे इंसान हैं, जो हर किसी पर भरोसा करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, ये बोर्ड उन्हीं का लिखवाया है। अंकल हाँ, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना? अरे क्या हुआ? मैं आपकी बेटी के प्यार के सामने खुद को बहुत ही छोटा समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम छोटे नहीं हो, तुमने इसका दिल जीत लिया। हाय डैड। कैसे हो बेटा? आई एम रॉकिंग डैड। और लव स्टोरी कैसी चल रही है? सुपर डुपर हिट डैड, उसके मम्मी पापा भी मान गए हैं। कंग्रेचुलेशंस माय सन, आई एम रियली हैप्पी। तुम कितने खुश हो ये मुझे फोन पर ही पता चल रहा है। इस सब की वजह वो लड़की है ना? ऑफ कोर्स डैड, वही है, शी इज सो इंस्पायरिंग। तुमने उसके अंदर ऐसा क्या देख लिया कि तुम इतना इंस्पायर हो गए? मैंने उसमें माँ को देखा, वो बिल्कुल माँ की तरह ही है। तब तो हम दोनों लकी हुए, माँ का पिंडदान करने गए थे इसीलिए तुम्हारी माँ मिल गई। शांति, दीपू, क्या हुआ जी? अरे हमारी ये स्कूटर, तो स्कूटर है? क्या हुआ पापा? दीपू यहाँ तो आओ, इसे देख रही हो? अरे देखो तो। पर इसे लेकर कौन आया? हाँ, अरे Thank you.
थैंक्स रिकी। थैंक्स किस लिए? मेरे पापा अपने स्कूटर से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें लगा कि उन्होंने उसे खो दिया। पर स्कूटर को वापस देखने के बाद, छोटे बच्चे होते हैं ना, खिलौने देखने के बाद उछल पड़ते हैं, वैसे ही वो भी उछल रहे थे। इसलिए तुमने मुझे थैंक्स कहा क्या? मैं चाहती हूँ मेरे पापा ऐसे ही हमेशा खुश रहे। वो हमेशा और हर पल ऐसे ही खुश रहेंगे। असल में तुम तीनों जो वो बेहद ही सेंसिटिव हो, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। जब वो एक निर्जीव गाड़ी से इतना प्यार करते हैं तो वो तुमसे कितना प्यार करते होंगे, ये मैं अच्छे से समझ गया। जब मैं तुम्हारे घर के सामने वो प्यार मोहब्बत और भरोसे वाला बोर्ड देख रहा था, अगर मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बन जाऊं तो सारी चीजें डबल हो जाएंगी, और तुमसे भी ज्यादा मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ज्यादा पसंद आ गए। मैं लकी हूं कि तुम मुझे मिले। शायद मैंने कोई अच्छे कर्म किए हैं जो तुम जैसी लड़की मुझे मिल गई। जब भी कोई प्रेमी मिलते हैं तो वो अपने प्यार के बारे में, फ्यूचर के बारे में, अपने अपने बारे में बातें करते हैं, लेकिन तुम हमेशा अपने माँ बाप के बारे में बात करती है। सिर्फ मेरी फैमिली के बारे में बातें करोगे? तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे पापा हैं और मेरी माँ यहाँ है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत ही लाड प्यार से पाला है ना? प्यार से पाला ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मैं हार जाऊं। हमेशा मेरे सुख दुख में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरा हाल भी ऐसा ही है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं है। तुम्हारे पापा ने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा? पूछा था कि उस लड़की में ऐसा क्या खास है जो तुम्हें पसंद आ गया। फिर तुमने उन्हें क्या बताया? मैंने कहा मैंने तुम्हें अपनी माँ को देखा। अरे मैं हूं। क्या है? पापा जाग जाएंगे। मैं नहीं आने वाली। जाओ तुम। अरे तो रुको, आती हूँ। ओ मम्मी, सब जाग जाएंगे। अरे क्या है? चलो चलते हैं। कहाँ? अरे चलो ना। अरे क्या हुआ? दीपू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम उससे बहुत प्यार करते हो? कितना? इतना ही? ये दिल भी तो इस मुट्ठी इतना ही होता है ना। अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? हाँ रोऊंगा। उसके बाद चुप हो जाऊंगा। उसके बाद अपनी जिंदगी हमेशा की तरह गुजारूंगा, लेकिन जब तक जीऊंगा अपने प्यार को जिंदा रखूंगा। ऐसी बातें तुम्हें किसने सिखाई? तुमने। हाँ मैंने? तुम्हारे प्यार ने। अच्छा अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगी? तुम्हारी तरह तो मैं नहीं जी पाऊंगी, सीधे तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। प्यार का मतलब होता है जान, और जान ही चली जाए तो? ऐसा मत कहो। जब मैं छोटा था तभी अपनी मां को खो दिया था। तुम वो लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूं, और जब तुम मुझे नदी के सामने मिली और तुमने मेरे कानों में कमल का फूल लगाया था तभी मेरे जीवन में फूल खिल गया था।
मेरी जिंदगी में ये सब कुछ होगा, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी सपने में। ये गांव, तुम, तुम्हारे पापा, मां, वो बच्चे, वाह, स्वर्ग इसे ही तो कहते होंगे। उस भगवान को मैं कितना भी थैंक्स कह दूं कम होगा। मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूं। जगत में अत्यंत संतोषी व्यक्ति अगर कोई है तो वो आपका बेटा है। हाँ सर, जब से रिकी यहाँ आके रह रहा है, जीवन ही सार्थक हो गया है। मेरा बेटा जहाँ भी रहता है, हंसी खुशी भी वहाँ रहती है और शांति भी। हाय रिकी। डैड। वो। लुकिंग ग्रेट रिकी। थैंक यू डैड। You're looking sexy. Hey. What a pleasant surprise, Dad. Hey, तुमने अपने प्यार के बारे में मुझे सरप्राइज दिया और मैं अपनी बहू से मिलकर उसे सरप्राइज दूंगा। रिकी, मेरी होने वाली बहू से कब मिलवाओगे मुझे? कल ही मिलवाऊंगा। श्योर? अंकल। रिकी, ये मेरे डैड। सर नमस्ते। नमस्कार। आइए सर, आइए, आइए ना, आइए, बैठिए सर, बैठो। शांति आ रही है। शांति। हाँ आ रही। मेरी पत्नी। नमस्कार। नमस्ते। मेरे डैड हैं। कॉफी लेकर आओ। क्या लेंगे बताइए? कॉफी जूस सब बाद में भी हो सकता है, पहले मेरी बहू को दिखाइए। ठीक है, जाओ। दीपू, रिकी के पापा आए हुए हैं, जल्दी से तैयार हो जा। मेरी बेटी को देखने से पहले ही आप उसे बहू कह रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। पुण्य का काम मैंने नहीं किया, इसने किया। आपके दरवाजे का बोर्ड देखने से ही पता चलता है कि आपकी फैमिली कैसी है। आपका दिल बहुत बड़ा है। ए, ए, बैठो। क्या बात है बेटा, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है। तुम ग्रेट हो बेटी, हा? तुमने दौड़ने वाले घोड़े को पकड़कर बांध दिया। यू आर फैंटास्टिक। इस तरह का खाना खाए बहुत दिन हो गए। आप इसी गांव में पैदा हुए थे और पले बड़े भी? अरे नहीं 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 सर, मैसूर में गांव है सोमनाथपुर, मैं वहीं का हूँ। मैसूर के सोमनाथपुर के हैं आप? जी सर। वहां पर आप किसके बेटे हैं? पटेल चंद्रप्पा का बेटा हूं। तो आप पटेल चंद्रप्पा के बेटे हैं। सर आप उन्हें जानते हैं क्या? नहीं, कहीं तो उनका नाम सुना है। अब मैं चलता हूं। अब ये सर। हाँ थैंक्स। जी, बाकी बातें कल कर लेंगे, कल आप मुझसे मिलिए। ठीक है सर। हाँ नमस्ते। चलिए हाँ आइए, चलता हूँ। ठीक है बेटा। शादी की बात करने के लिए बहुत दूर तक चले आए, क्या उम्मीद लेकर आए हो? कोई बात नहीं, जबान जरूरी है, उम्मीदें नहीं।
तुमने अपने घर पर जो बोर्ड लगाया है क्या लिखा है उस पर? प्यार और प्यार, विश्वास और भरोसा, कोई मत तोड़ना। इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। ना किसी को जीने दो, उनके सपने, उनकी उम्मीदें, उनका सर्वनाश करके भीख मांगने पर मजबूर करने वाले और ऐसा बोर्ड लगाने वाले। इसे देखकर हंसना चाहिए या रोना चाहिए समझ में नहीं आ रहा। ए, पहले उसे वहां से उखाड़ फेंको। ऐसी बातों वाला बोर्ड लगाने के लिए योग्यता भी होनी चाहिए। सर, ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सच क्या है पता है तुम्हें? 40 साल पहले रमन्ना, कृष्णा, नमस्कार। नमस्कार। आप यहाँ आए, खुशी हुई, आइए अंदर आइए। हाँ। चलिए दीदी, लड़की के बगल में वो कौन बैठा हुआ है? सुना है वो लड़की का भाई है। अरे भाई नहीं है, बेटा है। हाँ। अच्छा, जब उसके माँ बाप गुजर गए थे तब वो उस लड़के को लेकर अपने गांव आई थी, मैंने ऐसा गांव वालों से अच्छा? सुना है। ओ अच्छा, वो जो दूसरे गांव का लड़का बैठा है ना, उसकी सहायता करने के चक्कर में उसी से शादी कर रहा है। देखो भाई, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। चंद्रपा बड़ी न्याय की बातें करता है और खुद ही ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाने जा रहा है। कैसे कैसे लोग हैं, देखो तो, पटेल के घर में कितनी लंबी हाथ मारी है। सही कहा, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, देखो तो। जो नहीं करना चाहिए वो सब करके अब ये मंगल सूत्र पहनने चली है। 10 लोगों को न्याय दिलाने वाला पटेल अपनी बहू बेटी के साथ ये कैसा न्याय कर रहा है? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? जरूर उस लड़की का उनसे कोई लेना देना होगा, तभी तो वो उसे अपने घर की बहू बना रहे हैं। वैसे भी पहले से ही उसके पास एक बच्चा है। पता नहीं घर के नसीब में क्या लिखा है। चल मेरे साथ। पटेल जी, पटेल जी, पटेल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब क्या है? बेइज्जत इंसान, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मान मर्यादा नहीं है? ऐसी कुलटा को मेरे घर की बहू बनाने जा रहे थे तुम? हाँ, तुम दोनों का ये अवतार देखकर पूरे गांव में तुम लोगों की बातें हो रही हैं। मैं, ये मेरी बहन है, बहन जैसी है। हाँ, बहन की तरह, पर बहन तो नहीं है ना? ये गांव के सामने भाई बहन होने का नाटक कर रहे हो और गांव वालों के चाहते ही तू है तुम्हारी ऐसी जिंदगी पर। चलो रे। पटेल साहब, मेरी बहन बहुत अच्छी है। पटेल साहब, मेरी बहन इतनी बुरी नहीं है। पटेल साहब, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। पटेल साहब, मेरे दीदी भगवान की तरह पवित्र है। पटेल साहब, ऐसा गलत काम नहीं करते। मेरा बहन गांव वालों की बातों में आकर सीता जैसी पवित्र मेरी दीदी को पूरे गांव के सामने बेइज्जत किया। तुम्हारी वजह से उन्होंने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। तब से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद बन गया था कि जिन्होंने मेरी दीदी का अपमान किया मैं उनके पूरे परिवार को आग के हवाले कर दूंगा, और मैंने वैसा ही किया। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा और तुमने मुझे बताया, तभी मैं समझ गया कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि मैं हार गया। मैं किसी भी वजह से कभी भी नहीं हार सकता हूं। जिन्होंने उस वक्त मेरे घर में आग लगाई, आज उसी के घर की बेटी मेरे घर में दिया जलाने वाली है और उसका बाप रिश्तेदार बनेगा। थू! तुम जैसे नीच लोगों के घर से मेरी बहू मेरे घर आएगी, ये मैं मंजूर नहीं कर सकता। इस जन्म में यह नहीं हो पाएगा। सर, 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 ऐसा मत कहिए। सर, ऐसा मत कहिए। मैंने उस वक्त गुस्से में आकर सब कुछ आग के हवाले कर दिया था। सर, मानता हूं कि उस समय मेरी गलती थी, पर इसमें बच्चों की क्या गलती है? आज आप बीती बातों को अपने दिल पर लेकर
इन दोनों मासूम बच्चों को जुदा मत कीजिए सर। सर सर वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर, इनके प्यार को अपना लीजिए सर। दिमाग खराब है यू ब्लडी सेंटिमेंटल फूल, तुम्हारे लिए तुम्हारा प्यार बड़ा है तो मेरे लिए मेरा दर्द और गुस्सा उससे भी बड़ा है। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी में अपनी माँ को देखता है, सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हारे दरवाजे तक गया। अगर मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानेगा और अगर उसके लिए उसका प्यार बड़ा है तो वो भी देख लूंगा। सर ऐसा कुछ भी मत कीजिए सर, सिर्फ मुझे बताइए सर, अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है सर, बोलिए। हमारे बच्चों को अच्छे से रहना चाहिए ना, तुम्हारी बेटी को भी अच्छे से रहना चाहिए ना। हाँ, हाँ, अगर तुम्हारी बेटी मेरे घर में पैर रखेगी तो उसी पल से तुम दोनों को अपनी बेटी को भूलना होगा। पूरी जिंदगी मिल नहीं पाओगे उससे। सर लेकिन पहले तुम मेरी बात सुनो, इसी शर्त पर तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनेगी, नहीं तो मेरे जीते जी तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू कभी नहीं बनेगी। पर ये कैसे हो सकता है सर? डिसाइड कर लो, समझे? घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ आपको? शादी की बात करने गए थे ना, बात अच्छे से हो गई क्या? आप दोनों की बात तो काफी ज्यादा देर तक चल गई, ऐसा लगता है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। उन्होंने कुछ ज्यादा ही दहेज मांग लिया क्या? मुझे पता है जी, उस इंसान को देखते ही मुझे समझ में आ गया वो बहुत अच्छे इंसान है। कहते हैं ना सोने का घड़ा कभी काला नहीं पड़ता। अब वैसे शादी की तारीख क्या तय हुई है? दीपू कहाँ है? वो तो सो गई। आपको पता है अभी अभी हम दोनों शादी की ही बातें कर रहे थे। प्यार करने वालों को शादी की अलग ही खुशी मिलती है। इतनी प्यारी बेटी जो है, आखिर उसकी माँ हूं ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। और नहीं तो क्या, उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद हम उसे सिर्फ सपनों में देख पाएंगे। हो जाएगी इस बात का दर्द तो
मुझे भी हो रहा है जी, बहुत रोने का मन कर रहा है। अगर मैं रोऊंगी तो आप भी रो पड़ेंगे ना, इसलिए रो नहीं पाई। दीपू इस घर में नहीं रहेगी और हम ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगी। बात करना चाहेंगे, हम अपनी बेटी से बात भी नहीं कर पाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे। मैं भी नहीं रोऊंगा, बिल्कुल मत रो, नहीं रोऊंगा मैं, नहीं रोऊंगा। मुझे पता है, मैं शादी करके चली जाऊंगी तो हर दिन ऐसे ही होगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे शादी ही नहीं करनी। ए, ए, दीपू, ऐसा नहीं कहते बेटा। पागल हो गई है, कैसी बातें कर रही है, तकलीफ तो होगी ही ना। देख बेटी, जब तू यहाँ से विदा होकर जाएगी ना तो हम दोनों का दिल तो रोएगा ना, आंसू तो बहेंगे ही। बेटी तू यहाँ से जब अपने ससुराल जाएगी तो रोना आएगा, ऐसा सबके साथ होता है। पर कुछ दिनों बाद ही जब तू इस घर में नन्ही सी बच्ची लेकर आएगी तो हमारी खुशी, शांति, सब कुछ इस घर में दोबारा वापस आ जाएगा, यकीन रख बेटी। और सुन, जब तू यहाँ से जाएगी तो मैं और तेरी माँ, हम दोनों ही तेरी सारी चीजें, तेरे खिलौने, साइकिल, किताबें, हम उन सब की साफ सफाई करके तेरी राह देखेंगे बेटी। हाँ हाँ हाँ, सुनना, जिस तरह से तू यहाँ पली बढ़ी, तेरे बच्चे भी पलेंगे, सही कह रहा हूँ ना। बस तुझे हम दोनों को जल्दी से खिलौना देना होगा, तुम लोग ये प्लान वो प्लान ऐसा करके फैमिली प्लान मत करना। हाँ? क्या पापा? जगह पे मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी। अच्छा। उन्होंने यहाँ मन्नत का धागा बांधा था, तब जाके मैं पैदा हुई। मतलब यहाँ पर धागा बांधकर कोई भी मन्नत मांग सकते हैं? तुमने भी कोई मन्नत मांगी है? मैंने तो कोई धागा नहीं बांधा, लेकिन उस दिन पानी में हल्दी, कुमकुम, मंगलसूत्र एक पत्ते पे बहते हुए आया। कुमकुम का मैंने टीका लगा लिया और फूलों को अपने बालों में सजा लिया और उस मंगलसूत्र को मैंने यहाँ बांध दिया। वो सब चीजें पानी में बहाने वाला कौन था पता है? मुझे नहीं पता। वो मैं ही हूँ। हर साल अपनी माँ की बरसी पर मैं ये सब नदी में बहाता हूँ। यही मंगलसूत्र तुम मुझे पहनाओगे? नहीं, पहले मैं बताऊंगा। अरे पहले मैं बताऊंगा। अंकल, पहले मैं बताऊंगा। बोला अंकल, अंकल, मैंने बोला ना मैं बताऊंगा। अंकल, अंकल, माँ, 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 शांति, तुम हमेशा मेरे पीछे चुपचाप चली आती हो, कहाँ जा रहे हैं कभी पूछती नहीं। इतने सालों से नहीं पूछा तो आज क्यों पूछूंगी? मुझे पता है कि आज हम दोनों यहाँ क्यों आए हैं। हमारे सारे सपने इतने जल्दी पूरे हो जाएंगे, हम दोनों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। भगवान ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, है ना जी?
हमारी दीपू को इतनी सारी खुशियां मिल रही हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या हुआ जी, आप ऐसे गुमसुम क्यों खड़े हैं? ओहो, हमारी दीपू की शादी होने के बाद वो हमें छोड़कर अपने पति के घर चली जाएगी, इसी बात का दुख हो रहा है ना आपको? हाँ? आज क्या हुआ है आपको? आप कुछ पतले पतले से लग रहे हैं, क्या हुआ है बताइए। वो शादी के लिए मान तो गए हैं ना? हाँ। हमारी दीपू की शादी होगी ना? हाँ। हाँ? हाँ। दीपू की शादी होना या ना होना ये हमारे हाथों में है। हमारे हाथों में है हमारी बेटी की शादी? हाँ, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारी बेटी अपने ससुराल में हमेशा हमेशा खुश रहे। बेटी का प्यार उसे हासिल हो। हाँ। और अगर हमारी दीपू को अपने पति के घर में कदम रखना है तो? कदम रखना है तो? हाँ? शांति। हाँ। हम क्या कह रहे हैं? हम जीवन भर अपनी बेटी को नहीं देख पाएंगे। जिंदगी भर हम अपनी बेटी को नहीं देख पाएंगे? ये क्या है जी, ये क्या कह रहे हैं? किसने कहा आपको ऐसा? किसने कहा आपको ऐसा? रिकी के पापा। हाँ? रिकी के पापा ने? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हमारी दीपू को अपनी बहू स्वीकार करने के बाद अब वो भला ऐसा क्यों कहेंगे? हमारी दीपू का उनके घर में कदम रखने और हमें उसे ना देखने का आपस में क्या संबंध है? इसमें क्या संबंध है बताइए, बताइए ना मुझे, क्या संबंध है इसमें, क्या संबंध है? संबंध है शांति। शादी के अपमान की वजह से उसकी दीदी उसी आग में जलकर मर गई। उसी गुस्से में रिकी के पापा ने हमारे घर में आग लगा दी और सब कुछ स्वाहा हो गया। लेकिन उसमें मैं बच गया। उनके दिल में पुरानी बातें अभी भी ज्वालामुखी की जैसे दहक रही हैं। वह हमारी बेटी हमसे छीनकर हमारे परिवार पर गुस्सा उतारना चाहते हैं। हम पर क्या गुजरेगी, बदले की भावना में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनके दिल में माफी की भावना नहीं है, उनका दिल पत्थर का बन चुका है। उनकी सिर्फ एक ही शर्त है कि हम अपनी बेटी को जिंदगी भर नहीं देख पाएंगे, नहीं तो हम अपनी बेटी के दिल से रिकी को निकाल कर फेंक देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें आपकी क्या गलती है और दीपू ने क्या किया है? सुनिए, एक काम करते हैं, हम लोगों की नजरों से बचकर कहीं दूर चले जाते हैं। हम उससे दूर कैसे रह पाएंगे शांति, हमारा दिल तो तड़पेगा ही ना। नहीं तो हमारी दीपू ही कभी न कभी हमें ढूंढते हुए हमारे पास आ जाएगी, और भगवान न करे अगर ऐसा हुआ तो उनके दिल में जो दर्द और गुस्सा भरा पड़ा है ना, वो ज्वालामुखी बन जाएगा। ना, ये ठीक नहीं होगा, हम अपनी बेटी के बिना रह लेंगे। एक बात बताऊं, मैंने पहली बार तुमसे पूछे बिना ये फैसला किया है, तुम मेरे साथ आओगी ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं जी, पूछ रहे हैं कि आऊंगी या नहीं? आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ जिंदगी बिताई है और आज मैं आने से मना कर दूंगी? मैं जरूर आऊंगी। अपने परिवार की गलती का खामियाजा मैं भुगत रहा हूं वो तो ठीक है, पर तुम्हें बिना कोई गलती की सजा मिल रही है शांति। क्या जी,
आपकी फैमिली मेरी फैमिली नहीं है क्या? और वैसे भी ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिसके जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। परिवार की गलतियों की सजा ये उसका खामियाजा हमारे बच्चे क्यों भुगतेंगे? सुनिए, आपने जो भी निर्णय लिया है ना वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन लेकिन एक बात है। लेकिन क्या? हम दीपू और रिकी को बिना बताए उनसे दूर जा रहे हैं ना, तो रिकी और दीपू की आंखों में हमें अपना प्यार दिखा है। देखो, रिकी हमसे हमारी दीपू को ज्यादा खुश रखेगा। हा? रखेगा ना? तुम मेरे साथ आओगी ना? रुको, पापा का स्कूटर यही है। शांति, हम जिस जगह पर मिले थे, हमने जहां अपने प्यार को हासिल किया था, हमने जिस जगह अपनी जिंदगी बिताई थी, अब मैं तुम्हें उसी जगह पर तुम्हारे प्यार का क्या इनाम दे रहा हूं? मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। मुझ जैसा पति किसी औरत को ना मिले। मैं बहुत पापी हूं शांति। ऐसा मत कहिए जी, मैंने बहुत से पुण्य किए होंगे जो मुझे आपके जैसा जीवन साथी मिला है। रोइए मत, रोइए मत। मुझे माफ कर दो शांति। रोइए मत, रोइए मत। रोइए मत प्लीज। पूरी करेंगे? हाँ, हाँ? मैं आपसे एक कदम आगे रहना चाहती हूँ जी, क्योंकि मैं स्वागत रहना चाहती हूँ। एक मिनट रुको, रिकी, दीपू, 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 रिकी, 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 दीपू, अंकल। पापा, अम्मी, पापा,
प्यार का इम्तिहान साल दर साल लिया जाता रहा है और हमेशा प्रेमी ही कुर्बानी देते हैं, लेकिन ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब माँ बाप अपने बच्चों के प्यार के लिए अपनी कुर्बानी दें। इनका प्यार बेमिसाल है।